भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई क्रिकेट को एक नई पहचान दी है, तो वहीं अब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने सचिन के सम्मान में एक बड़ा काम करने का फैसला किया है। बता दें कि ताजा मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक लाइफ साइज स्टैचू स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि सचिन के सम्मान में किए जाने वाले इस काम को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। वहीं आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में बताएं तो उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार सचिन के 50वें जन्मदिन पे जो 30 अप्रैल को है, उस दिन सचिन के लाइफ स्टैचू का अनावरण किया जा सकता है या फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप के दौरान इस विशेष कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। गौरतलब है कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में अक्टूबर से नवंबर के बीच में खेला जाएगा। साथ ही आपको इस मसले के बारे में और अधिक जानकारी दे तो अमोल काले जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सचिन तेंदुलकर भी इस बात के लिए मान गए हैं और यह एक ऐतिहासिक स्टैचू होगा जो ऐतिहासिक मैदान पर स्थापित किया जाएगा। वहीं आपको सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में बताएं तो उन्होंने भारत के लिए 200 टेस्ट मैच और 463 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 15,921 और 18,426 रन बनाए हैं और साथ ही वह भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने ही सबसे पहले लगाया था।